आत्मा की शक्तियों पर चल रही है, उन शक्तियों में जो 64 रिद्धियां हैं उसमें एक रिद्धि का नाम है अष्टांग महानिमित्त रिद्धि। निमित्त के माध्यम से देख करके भविष्य का ज्ञान कर लेते हैं। अंतरिक्ष, भौम, लक्षण, तिल, स्वप्न, अंग, स्वर, व्यंजन, इन सबको देख करके उस व्यक्ति के भविष्य का ज्ञान कर लेते हैं। कल तक चर्चा चली थी कि लक्षण पर कि भगवान के शरीर में 1008 लक्षण होते हैं। शरीर में तिल होते हैं, तिल होते कि नहीं होते हैं? सबके शरीर में होंगे ना, किसी के में कम और किसी के में ज़्यादा। आपको पता है कि तिल का क्या मतलब होता है? कौन सा तिल कहाँ हो तो उसका मतलब क्या होता है? शरीर का एक एक अंग ज्योतिष के अनुसार बना हुआ है। एक एक अंग, आँख, नाक, कान, ओठ, दांत, बाल, हाथ, पैर, अंगुली, गर्दन। अब आपको नहीं पता, आप तो केवल गर्दन को गर्दन जानते, किसी की लंबी होती है, किसी की छोटी होती है, किसी की मोटी होती है, किसी की एकदम पतली होती है ऊंट जैसी, किसी की हाथी जैसी होती है, किसी की शेर जैसी होती। सबकी गर्दन अलग अलग होती है। भाई अलग अलग क्यों होती है? सबकी गर्दन अलग अलग का मतलब ये नहीं है कि अलग अलग होना है। हर व्यक्ति की गर्दन कुछ ना कुछ संकेत दे रही है। अंगुली तो सबके हाथ में है ना? अरे बोलिए ना, सबके हाथ में अंगुली है, नाखून है, सब एक से ही है क्या? ये तो अभी कह रहे हो, अभी बाहर जाके कहोगे सब एक ही तो है, क्या अलग अलग है? जैसी तुम्हारी अंगुली वैसी मेरी अंगुली, सब एक ही है। लेकिन नहीं, सबकी अंगुली, सबके नाखून, सबके हाथ की रेखाएं, सब कुछ अलग अलग होता है और उनके माध्यम से कुछ ना कुछ संदेश मिलता है। इसी प्रकार तिल होता है शरीर में, तो तिल के माध्यम से पता चलता है कि यहाँ तिल है तो क्या होगा, यहाँ तिल है तो क्या है, गाल पे है तो क्या है, ओंठ के ऊपर है तो क्या है, कान के नीचे है तो क्या है, गले में है तो क्या है, पीठ में है तो क्या है, कौन से तिल का महत्व है, कौन से तिल का महत्व नहीं है। एक एक तिल का महत्व है, लेकिन हमें नहीं पता है क्योंकि हमें इतना ज्ञान नहीं है। किनको होता है ये ज्ञान? ये ज्ञान होता है जो अष्टांग महानिमित्त रिद्धि के धारी होते हैं, ऐसे मुनिराजों को इसका ज्ञान होता है। सपने, सपने भी लक्षण हैं। सपनों के माध्यम से भी बहुत कुछ पता चल जाता है। आप लोग सपने देखते हो नहीं देखते हो? कौन कौन देखता है? सपने में क्या देखते हो? कहना भूल जाते हैं, आधे से ज़्यादा सपने तो भूल जाते हैं, बहुत कम सपने होते जो याद रहते हैं, है ना? सपने बच्चा, बूढ़ा, जवान सब देखते हैं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि सपने केवल भारत के लोग देखते हैं, विदेश वाले नहीं देखते हैं? विदेशियों को सपने आते हैं क्या? तो सपने में तुम कौन सी भाषा बोलते हो? जो हिंदी वाला है, जिसके कंप्यूटर में हिंदी सेट है वो हिंदी बोलता है, जिसके कंप्यूटर में अंग्रेजी सेट है वो अंग्रेजी बोलता है, जिसके कंप्यूटर में मराठी सेट है वो मराठी बोलता है। भाषा से कहीं कुछ नहीं है, भाषा बाधा नहीं है। बच्चे भी सपने देखते हैं। कई बार बच्चे कहते हैं ना, अरे मम्मी तुमने जगा दिया, मैं तो सपना देख रहा था। यानी सपने सब देखते हैं। भाई सपने आते क्यों हैं? सपना कौन देखता है? क्यों आते हैं? आत्मा, जीव,
हमेशा जागृत रहता है, वो कभी सोता ही नहीं है। लेकिन जब शरीर बिल्कुल गहरी सुप्त अवस्था में चला जाता है तो ऐसा लगता है कि आत्मा भी सो गई, जबकि आत्मा सोती नहीं है, आत्मा में निद्रा है ही नहीं है। ये शरीर के कारण से आत्मा को इस अवस्था में पहुंचना पड़ता है, नहीं तो आत्मा के अंदर स्वनिद्रा नामक जो भी चीज है वो है ही नहीं आत्मा में। जो भगवान के अरिहंत भगवान जो होते हैं उनमें 18 दोष नहीं होते, ये तो पता ही है ना आपको, अष्टादश दोष रहित जिनवर, 18 दोषों से भगवान रहित होते हैं। उसमें एक दोष ये भी है निद्रा, एक दोष ये भी है निद्रा, यानी उनका ये दोष नहीं है, वो सोते नहीं है। भाई क्यों नहीं सोते, सोना तो बहुत जरूरी है, दिन भर काम करके थक जाते हैं तो सोना बहुत जरूरी है। उनके तो हमेशा सातावेदनी कर्म का उदय होता है, इसलिए उनको थकान ही नहीं होती है, और वो निद्रा लेते ही नहीं है क्योंकि दर्शनावर्णी कर्म नष्ट हो गया। कौन सा कर्म नष्ट हो गया? दर्शनावर्णी कर्म के उदय में निद्रा आती है। जैन धर्म में तो दिन भर की 24 घंटे की हर क्रिया का पता है कि कौन सी क्रिया कौन से कर्म के उदय में होती है। आप पढ़ो तो सही, एक एक बात पता चल जाएगी आपको। चक्षु अचक्षु, चक्षु दर्शनावरण अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण केवल दर्शनावरण, निद्रा। अब जैन धर्म में तो नींद के भी भेद बता दिए, निद्रा सो रहा है, कुत्ते की नींद, जरा सा कुछ हुआ जाग गया, निद्रा निद्रा, सो भी रहा है मगर गहरी नींद में सो रहा है, प्रचला लार बह रही है, आंखें बह रही हैं, प्रचला प्रचला बड़बड़ा रहा है सोते सोते। तुमने देखा लोगों को, बच्चे अक्सर बड़बड़ाते हैं, कहीं बोलेंगे गणित करते रहते हैं, कभी किसी से लड़ते रहते हैं, जो उनके दिमाग में सेट हो जाए वो नींद में निकलता रहता है। नींद में इंसान बिल्कुल सच बोलता है, वहाँ झूठ नहीं हो सकता है। जागृत अवस्था में तो झूठ बोल सकता है, मगर नींद में जो बड़बड़ा रहा है वो बिल्कुल सही है, प्रचला प्रचला। और स्त्यान ग्रद्धि निद्रा, कौन सी निद्रा? ये निद्रा वाला व्यक्ति नींद में उठ जाएगा, आँख खुली है मगर नींद नहीं खुली, आँख खुली है मगर नींद नहीं खुली। और ऐसे कई उदाहरण हैं कि कई घटनाएं घट जाती हैं। एक महिला तो रात को अपना घर का सारा झाड़ू पोछा करके और सो गई, और सुबह उठ के पूछ रही ये सफाई किसने करी है। कई बार तुम घर जाते हो, दरवाजा खटखटाते हो, अंदर वाला दरवाजा खोल देता है, सुबह उठ के पूछता अरे तुम अंदर कैसे आए। उसे यही नहीं पता कि उसने दरवाजा भी खोल दिया है। और एक तो सच्ची घटना है कि एक व्यक्ति को किसी को 2,00,000 रुपए देनी थी, वो रात को 12 बजे उठा, 9 बजे सो गया था, 9:30 बजे, 12 बजे उठा, अपने तिजोरी में से 2,00,000 रुपए निकाले और उसके घर गया जिसके यहाँ पैसा देना था, उसको 2,00,000 रुपए दिए, वापस आया सो गया, सुबह फिर 2,00,000 रुपए लेके पहुँच गया। भाई साहब वो तो ईमानदार था, तो उसने कह दिया तू मुझे रात को दिए तो थे तूने, अब फिर देने आ गया। ये बिल्कुल सच्ची घटना है, इसको कहते हैं इस्तियान ग्रद्धि निद्रा, कि नींद में उठ के वो सारे काम कर लेता है। कई बार तो लोग चलते चलते नींद ले लेते हैं, आपने देखा है ऐसे लोगों को? मैंने देखा है, चलते चल रहे चल रहे चल रहे चल रहे चल रहे, झपकी आ गई, फिर जागृत, फिर चलना शुरू कर दिया। ऐसे देखे कि बर्तन मांजते मांजते नींद आ जाती है, देखे नहीं देखे? मैंने देखा है। तो निद्रा भी कई तरह की होती, 5 तरह की भगवान महावीर ने बताई है। भाई सामान्य प्राणी जो है उसे नींद की जरूरत है, सामान्य प्राणी को, विशेष प्राणी को नींद की जरूरत नहीं है। और वैसे भी कहा है कि नींद, भूख
और काम जितना बढ़ाओ उतना बढ़ता है और जितना घटाओ उतना घटता है। इसलिए मुनि राजों को कहा है कम से कम सोना, ज्यादा मत सोना, निद्रा विजयी बनना, क्योंकि निद्रा के समय में आत्मा बिल्कुल सुप्त अवस्था में पहुंच जाती, जागृत रहने वाली आत्मा भी सुप्त अवस्था में पहुंच जाती है। आत्मा को जागृत रखना है तो निद्रा कम लो। लेकिन आप तो अभी कम से कम 5 घंटे तो सोएंगे। कुछ लोगों को तो एक बहन जी आई, बोले माता जी रात को 1 बजे तक नींद नहीं आती है, 2 बज जाते हैं सोने में। मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने उनसे पूछा आप दिन में कितने घंटे सोती हो, बोले बस काम निपटा लेती हूँ और काम निपटा के बस 12 बज जाते हैं तो 3-4 घंटे सो जाती हूँ। और रात की नींद तुमने दिन में पूरी कर ली, और जब सब काम करके थके हारे आए जब वो सोए तब तुम जाग रही हो। अरे दिन में बैठ के स्वाध्याय करती, माला फेरती, कुछ अच्छे काम करती तो दिन में तुम्हारा काम भी हो जाता और रात को सही टाइम पे नींद भी आ जाती। अभी फिलहाल तो शरीर, जिस शरीर में रह रहे हैं उस शरीर में निद्रा आवश्यक है। यदि ना आए तो दवाई खानी पड़ती है, लोग नींद की गोली खाते हैं। एक समय तपस्या के साथ साथ निद्रा भी कम होती जाती है। आत्मा का स्वभाव सोना नहीं है, इसलिए अरिहंत भगवान निद्रा विजयी हो गए। इसलिए जब शरीर से रहित तो सिद्ध भगवान हो जाते हैं तो फिर तो जरूरत ही नहीं है नींद की। नींद तो कर्म के उदय में आ रही है, और जब कर्म ही नहीं रहा तो नींद की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो सपने आते, बात चल रही है सपने की, कि सपने में आदमी बहुत कुछ देखता। और सपने कब आते हैं, जब बिल्कुल सुबह सुबह का समय होता है, नींद खुलने वाली होती, नींद खुली नहीं है लेकिन नींद कमजोर हो गई है। क्या नींद खुलने वाली है और अभी पूरी खुली नहीं है, बस आत्मा का अपना काम शुरू हो जाता है, मन के विचारों का काम शुरू हो जाता है, मन सपने देखना शुरू कर देता है। जब गहरी निद्रा में होती तब पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी निद्रा कम होती है वैसे ही आत्मा अपना काम शुरू कर देती है, जागृत हो जाती है, सोच विचार उसके सपने में चलने लगते हैं और उसके माध्यम से आत्मा अपना सारा काम करती है। अब जागृत हाथ पांव तो पड़े हैं, शरीर भी पड़ा है, लेकिन दिमाग एक्टिव हो गया, मन एक्टिव हो गया, आत्मा के भाव जागृत हो गए। अब सपना चल रहा है, कहीं कोई कुछ देखता है, कोई कुछ देखता है, कोई कुछ देखता है, शुरू हो गए। कुछ लोग तो कहते हैं, बोले माता जी हमें तो सारी रात सपने आते हैं। मैंने कहा आपको नींद नहीं आती अच्छे से इसलिए सारी रात सपने आते हैं। बोले हाँ ये तो आप सही कह रही हो, कोई जरा सी इतनी सी कोई सुई गिरने की भी आवाज़ जाए तो उठ के बैठ जाती हूँ। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि सपना एक सामान्य मनुष्य का लक्षण है, एक सामान्य मनुष्य का, विशेष मनुष्यों को भी आते हैं, अभी बताऊंगी आपको कैसे आते हैं। तो सपने आने का कारण क्या है, पहले 3 कारण है, वात पित्त कफ। शरीर में ये तीनों चीजें होती, वात यानी हवा, पित्त यानी अग्नि, कफ यानी जल। ये तीनों चीजें सबके शरीर में होती हैं, लेकिन इन तीनों में से किसी एक ना एक का जोर होता है। कोई किसी की पित्त प्रकृति ज़्यादा होती है, किसी की वात, किसी को गैस ज़्यादा बनती है, किसी को पित्त ज़्यादा बनता है, किसी को कफ ज़्यादा बनता है, फिर ये मिल भी जाते हैं। किसी की वात पित्त प्रकृति होती है तो पित्त के साथ में फिर हवा लेके पित्त ऊपर जाती है, फिर माइग्रेन हो जाता है, फिर वो दर्द शुरू हो जाता है। अभी जो माइग्रेन का दर्द है, लोग बड़ा इलाज करवाते हैं इसका, बहुत इलाज करवाते हैं। ये बीमारी बड़ी कॉमन है, बेचारे बहुत परेशान रहते, हाय सिर दर्द, हाय सिर दर्द। अब कारण ही तो समझ नहीं पाते हैं, इलाज करवाना शुरू कर देते हैं, पता चलता और बीमार हो गए। इसका कोई इलाज ज़्यादा है ही नहीं है। इसका सबसे अच्छा इलाज है कि
कि जो चीज तुम्हारे शरीर को सूट नहीं करती है वो मत खाओ। लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो सांकेतिक होते हैं, संकेत देते हैं, ऐसे सपने भी होते हैं। किस दिन देखा है, कौन से पहर में देखा है, कितने बजे देखा है, कौन सी वार को देखा है, कौन से पक्ष में देखा है, उसमें सारा हिसाब लगाया जाता है। उसके बाद ही उन सपनों का फल निकाला जाता है और उससे पता चलता है कि इस सपनों का फल क्या है, और उसका फल भी मिलता है। सारे सपनों का फल नहीं मिलता, दिन में जो सपने देखते हो ना उसका फल नहीं मिलता, जो सपने भूल जाते हो उनका फल भी नहीं मिलता, जो सपने आप अपने वातावरण से संबंधित देखते हो उसका भी नहीं मिलता, जो आप वात पित्त कफ प्रकृति का देखते हो उसका भी नहीं मिलता है। केवल जो सांकेतिक सपने होते हैं और जो बराबर याद रहें, और कई बार तो लगातार एक ही सपना बार 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 आता है। कभी आपने महसूस किया, अब कहीं प्रतिमाएं निकलती हैं तो किसी व्यक्ति को रोज सपना आता, वही सपना आता है, मुझे निकालो मुझे निकालो मुझे निकालो। फिर वो जाता है, वो टीला दिखता है, कहीं कुछ दिखता है, वो जाता है, खोदता है, निकालता है, भगवान निकल जाते हैं। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? कई बार बहुत जगह होता है। तो सपने में आकर देवता भी संकेत देते हैं फिर कि भाई यहाँ ऐसा होने वाला है, यहाँ ऐसा होने वाला है। एक बार मैं और हमारे संग की एक माता जी, हम दोनों साथ में थे, सृष्टि भूषण जी, तो उन्होंने सपना देखा, दिवाली का टाइम था, कि आग लग गई है और बहुत से लोग जल गए हैं। सुबह उन्होंने उठकर मुझे बताया, बोले आज मैंने ऐसा सपना देखा, चलो जो होगा सो देखेंगे। अब उसके बाद फिर आहार वगैरह प्रवचन आहार के बाद में आके बैठे, अचानक बहुत शोर की आवाज़ आने लगी, थोड़ी आधा किलोमीटर दूर जो बाजार था वहाँ से आवाज़ इतनी तेज थी कि आवाज़ वहाँ तक भी आ रही थी। भाई हुआ क्या? बोले वहाँ पे आग लग गई, किसी एक व्यक्ति ने फटाके की दुकान में फटाका छोड़ दिया, एक दुकान में, वो सारी दुकान में पहुँच गया, और वो सारी दुकान में पहुँच गया तो पूरे बाजार में आग लग गई है, और उसके साथ में फिर वो ठेले में बिल्कुल जले भुने लोग जो जल जाते हैं उन्हें ले लेके अस्पताल जा रहे हैं। सपना सच हुआ? ऐसे कई सपने होते हैं जो सच होते हैं, सारे सपने सच नहीं होते हैं। अब सपना तो माता मरुदेवी ने भी देखा था, माँ त्रिशला ने भी देखा था, सच हुआ था नहीं हुआ था? हैं, यदि ऐसे सपने आपको आए तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसे सपने देखने के लिए बड़ा पुण्य चाहिए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा सपने देखने के लिए तो कई जन्मों तक तपस्या करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके ऐसा सपना आएगा, क्योंकि इस सपने का फल है। आप पंचकल्याणक देखते हो, पंचकल्याणक में माता के 16 स्वप्ने दिखाए जाते हैं। पंचकल्याणक चाहे आदिनाथ भगवान का हो, अजितनाथ का हो, संभवनाथ का हो, या नैमीनाथ का हो, या पारसनाथ का हो, या महावीर भगवान का हो, सबकी माता को सपने आते हैं। उसके बाद तीर्थंकर गर्भ में आते हैं, सपने देकर आते हैं कि भाई जो पुत्र आ रहा है वो कैसा है, वो सपने किस बात का प्रतीक है, आने वाला पुत्र कैसा है, हाथी के समान सज्जन होगा, सरल प्रकृति का होगा, शांत होगा, शेर के समान पराक्रमी होगा, और इसी तरह से और भी माला का स्वप्न आता है, सम्मान पाने वाला होगा, मछली कलश देखते हैं धनवान वैभववान होगा, सूर्य देखते हैं तेजस्वी होगा, चंद्रमा देखते हैं शीतल होगा, भवन देखते हैं स्वर्ग से आ रहा है, विमान देखते हैं कि कौन से विमान से आ रहा है ना। इसी तरह से जो सपने होते हैं उसमें सब बताया जाता है, हर पंच कल्याणक में जो सपने दिखा का आता है दृश्य, वो सबको बताया जाता है। फिर माँ जाती है, जाके अपने पतिदेव से पूछती है कि आज मैंने ऐसे सपना देखा है, उसका क्या फल है। फिर वहाँ सबका वर्णन किया जाता है, सुना तो होगा ना, उन्हें तो टीवी में तो देखा ही होगा कुछ, मतलब आप कोई चीज़ साक्षात देख पाए ना देख पाए, ये टीवी और मोबाइल तो आपको बहुत कुछ दिखा देता है। आपको यदि
बहुत कुछ, सब कुछ नहीं, सब कुछ तो हमारे भगवान जानते हैं। केवल ज्ञानी, सर्वज्ञ, तीनों लोकों की जानने वाले, सब कुछ वो भगवान है। मोबाइल बहुत कुछ दिखा देता है, लेकिन सब कुछ देखने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। अभी मुझे जैसे सम्राट चंद्रगुप्त, भगवान महावीर के 150 वर्ष बाद सम्राट चंद्रगुप्त का शासन था। सम्राट चंद्रगुप्त, उसी समय में चाणक्य भी हुआ, उसी समय आचार्य भद्र स्वामी भी हुए। तो मुझे चंद्रगुप्त के सपने चाहिए थे। अब मैंने दीदी से कहा कि जरा वो सपने वाली किताब लाओ, वो किताब नहीं मिली, बोले अभी देती हूँ। उन्होंने फटाफट YouTube में सर्च किया, ये लो, ये रहे चंद्रगुप्त के सपने। मैंने कहा माता के 16 सपने, बोले ये रहे। मतलब वो आपका YouTube क्या हो गया, वो तो कल्प वृक्ष हो गया। जो मांगो वो मिल जाता उसमें देखने के लिए। और उसमें तो बड़ी अकलंक निकलंक की कहानी, और देशभूषण कुलभूषण की कहानी, 24 तीर्थंकर की वीडियो, यानी आप अपने बच्चों को जो और चीज़ें आप कार्टून दिखाते हैं, दिखाते हो ना बच्चों को, उन चीज़ों की जगह आप ये चीज़ दिखाएं ना बच्चों को। कम से कम आपको कहानी नहीं आती है, आप नहीं सुना पाते हैं कहानी, तो कम से कम उसके माध्यम से बच्चों को वो कहानी सुनवाओ कि देख बेटा हमारे यहाँ अकलंक निकलंक हुए हैं, उन्होंने क्या किया है, देशभूषण कुलभूषण हुए हैं, उन्होंने किया क्या किया है। 24 तीर्थंकर जो एनिमेशन फिल्म होती है ना, हमारे जैन समाज के युवा बहुत जागृत हो गए हैं, और जिनने बना के ये सब चीज़ें डाली ना, बड़ा धन्यवाद है उनको। लेकिन आपको धन्यवाद नहीं कि आप देख भी नहीं पाते हो, आप कम से कम शास्त्र नहीं पढ़ पाते हो, तो वो एनिमेशन फिल्म तो देख ही सकते हो। उसमें 24 तीर्थंकरों की फिल्म भी है, उसमें बहुत सारी मैना सुंदरी की, सीता की, जिसकी, सोमा सती की, जिसकी कहानी चाहिए आपको, सबकी एनिमेशन है। और आप अपने बच्चों को और कार्टून दिखाने की बजाय आप खुद भी देखो और बच्चों को भी दिखाओ, तो धर्म का ज्ञान हो जाएगा। मोबाइल तो है ना आपके हाथ में, और सबके हाथ में एंड्रॉयड होगा, सिंपल वाला तो होगा नहीं किसी के पास में। जालिया जालिया कहाँ जालिया, अब तो जमाना दूसरा आ गया। कोई बात नहीं, जमाना दूसरा आया है, उस जमाने को आप अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से अच्छा बनाओ। आपके YouTube में सब कुछ है, आप सर्च करके देखो तो सही, उसमें ध्यान भी है, ज्ञान भी है, तत्वार्थ सूत्र भी है, नियम सार भी है, समय सार भी है। आप ये क्यों नहीं देखते हो, उल्टी सीधी चीजें खुद देखते हो और अपने बच्चों को दिखाते हो, अपना दिमाग खराब करते हो। अरे बोलिए ना, और अपने बच्चों का दिमाग खराब करते हो। तो बच्चों को उसमें अच्छी चीजें दिखाएं। तो सम्राट चंद्रगुप्त के 14 स्वप्न देखे थे। समय हो गया है, वो मैं कल सुनाऊंगी आपको। बड़ा अच्छा लगा उसमें देख करके कि एक एक स्वप्न और स्वप्न का फल स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है, और पूरी भद्रवाहु स्वामी की कहानी कि उनका वो बचपन कैसा था, फिर कैसे उन्होंने पढ़ाई की, कैसे उन्होंने दीक्षा ली, सारा उसमें लिखा हुआ है। लिखा हुआ क्या, उसमें पूरी पिक्चर है, पूरी एनिमेशन फिल्म है। वो 5 मिनट की, 10 मिनट की होगी मेरे ख्याल से, इतने में पूरा मुझे मिल गया था सब कुछ। तो बंधुओं, रिश्तों में अपने का, माला के जपने का, और देखने में माता के स्वप्नों का, चलने में पाद का, शरीर में हाथ का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, पानी के टैंकर का, मिट्टी में कंकड़ का, और जैन धर्म में तीर्थंकर का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में सहारनपुर का, रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है। रक्षाबंधन के दिन आपको 2 पूजाएं करनी है, एक विष्णु कुमार मुनि की और एक अकम्पनाचार्य मुनि की। उसकी कहानी यदि होगा कल या परसों, जब भी मैं सुनाना चाहूँगी मैं आपको बता दूंगी। तो आप रक्षाबंधन के पर्व के दिन
पूजा करने के बाद ही आप अपने हाथ में रक्षा सूत्र बांधें और भाई बहन का पर्व मनाएं, उसके पहले नहीं। दो मुनियों की, दो 700 मुनिराज कंपनाचार्य आदि और विष्णु कुमार मुनि, ये दो पूजा आपको जरूर करनी है। राजिम मोबाइल में सिम का और युवाओं के लिए जिम का और आने वालों में राजिम का बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, तोलने में धड़ा का और आने वालों में बांसवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। अर्थुना सरधना, सब्जी में धना का, पेड़ में तना का और आने वालों में सरधना का बड़ा ही महत्व है। जयपुर वाले बैठे ना, हाँ। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। जोर से बोलो। केकड़ी, हाँ, भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का और आने वालों में केकड़ी का बड़ा ही महत्व है। थाने महाराष्ट्र, महाभारत में धृतराष्ट्र का, रहने के लिए भारत राष्ट्र का और आने वालों में थाने महाराष्ट्र का बड़ा ही महत्व है। मिठाइयों में मावा का, नहीं करने में दावा का और आने वालों में सरसावा का बड़ा ही महत्व है। कांदला, गाने में गला का, टलने में बला का और आने वालों में कांदला का बड़ा ही महत्व। अंकलेश्वर, भक्त के लिए ईश्वर का, पत्नी के पति परमेश्वर का और आने वालों में अंकलेश्वर का बड़ा ही महत्व है। नीमच, नीमच। गुड़गांव, नौगमा, पैसों में जमा का, रात्रि में क्षमा का और आने वालों में गुड़गांव बड़ा ही महत्व। क्या बताया? गुड़गांव, नौगमा का बड़ा ही महत्व है। नीमच। घाटोल, सड़क में टोल का, सब्जी के झोल का और आने वालों में घाटोल का बड़ा ही महत्व है। नीमच, नीमच। नहीं करने में कचकच का, पापों से बच बच का और आने वालों में नीमच का बड़ा ही महत्व है। चिड़िया में चीची का, फलों में लीची का और आने वालों में रांची का बड़ा ही महत्व है। विकासनगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में देहरादून विकासनगर का बड़ा ही महत्व है। खैरवाड़ा, रहने के लिए बाड़ा का, जनवरी में जाड़ा का और आने वालों में खैरवाड़ा का बिहिट टा, होने में हिट का, कपड़ों में फिट का और आने वालों में बिहिट का बड़ा ही महत्व है। फतेहपुर, नृत्य में नूपुर का, पैतेपुर, नृत्य में नूपुर का, गाने में सुर का और आने वालों में पैतिनपुर का बड़ा ही महत्व है। देवली, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, आने वालों में देवली का बड़ा ही महत्व है। दिल्ली, दिल्ली, त्रयंचो में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। सावन की घटा का, रसोई में पटा का और आने वालों में कोटा का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। सहारनपुर का जैन समाज, हमारी फैमिली अब से 2 साल पहले आई थी, उसके मुताबिक आज हम दर्शन करने आए हैं। हमें पूरा, मतलब हमारा मन था कि हम अगले साल आए, उससे अगले साल आए, तो हम महामारी के कारण आ नहीं सके। तो जब हम आए हैं तो हमें यहाँ पर पहले से बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छी व्यवस्थाओं का सामना हुआ है। दूसरी बार शांति धारा का भी मौका मिला है हमें। तो सभी लोग आइएगा और यहाँ पे आइए, देखिए, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, और यहाँ से आने के बाद जाने का मन नहीं करेगा, ऐसी व्यवस्था माता जी ने यहाँ पे करा रखी है। बोला सस्ती भूषण माता जी की, बोला जाजपुर वाले बाबा की।
पहली बार आया हूँ और मतलब मुझे जहाजपुर का मंदिर देख के ऐसा लगा जैसे सातों अजूबे इसके आगे फीके हैं। माता जी आपने जंगल में मंगल करा दिया, वाकई आपकी जय हो माता जी, वंदा में माता जी, वंदा में। बहुत बार बिजोलिया और यहाँ जहाजपुर आने का काम पड़ा, दर्शन किए, लेकिन मैं और हमारा परिवार, मेरी बेटी और हम पहली बार यहाँ पर जब प्रतिष्ठा हो गई आए हैं और आकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं स्वर्ग या इस प्रकार का देवालय बना हुआ है कि जहाँ पर एकदम देखकर मन एकदम गदगद होगा, प्रसन्न हो गया। और माता जी का हम यही चाहते हैं कि हम सभी निरोगी रहें, महामारी नहीं रहें और माता जी के चरणों में हमें बार बार दर्शन करने आए, बार बार दर्शन का आए। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता ना तो भूल ही गई। यहाँ मैं 3 वर्ष पूर्व जब आई थी और जब छोटे कमरे में मुनीश्वरनाथ बाबा बीमार थे तो मेरे पैर घुटने में इतने दर्द कर रहे थे, मैंने प्रार्थना की, विनय किया भगवान से कि मैं ठीक हो जाऊं और बार बार आपके दर्शन की चाह रखती हूं और आपके शरण में आऊं। ये तो आप देखो मुझे 5-7 मिनट में बाहर खड़ी रही और इसके पश्चात ही मैं भोजनशाला यहाँ बिल्कुल चला नहीं जा रहा था, मैंने कहा कौन लेके इधर जाएगा और मैं स्वयं चलने लग गई। और ये बाबा मुनीश्वरनाथ की कृपा है, ये बाबा मुनीश्वरनाथ की कृपा है। माता जी की जय। और माता जी का आशीर्वाद था, पीछे से मैंने आशीर्वाद लिया था, फिर मैंने दर्शन किए और फिर मैं बिल्कुल चल करके पूरे परिसर में, तब बना नहीं था, निर्माणाधीन था पूरा क्षेत्र, और आज ऐसा बन गया जैसे ऐसा लगता है कि यहीं रहें कुछ दिन और भगवान के चरणों में पूजन अर्चन करें। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी। चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर, चलो रे चलो रे चलो चलो रे। जय जिनेंद्र बंधुओं, एक बार पुनः स्वस्ति धाम के आंगन में खुशियों की बरसात हो रही है। अवसर आया है परम पूज्य स्वस्ति धाम प्रणेता गणनी आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी का 26वां मंगलमय वर्षा योग स्वस्ति धाम जहाजपुर में भूगर्भ से प्रकटित मुनीश्वरनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में हो रहा है। बंधुओं, चातुर्मास कलश की स्थापना हो चुकी है, मुख्य कलश के साथ साथ 4 अन्य कलशों की स्थापना की गई है, जिनमें स्वस्ति कलश कुल 108 होंगे जिसमें प्रत्येक की न्योछावर राशि 11,000 रुपये हैं। ज्ञान कलश 51 होंगे जिसमें प्रत्येक की न्योछावर राशि 21,000 रुपये हैं। सन्मति कलश 31 होंगे जिसमें प्रत्येक की न्योछावर राशि 51,000 रुपये हैं। और मुनीश्वरनाथ कलश कुल 21 होंगे जिसमें प्रत्येक की न्योछावर राशि 1,11,000 रुपये हैं। बंधुओं, जो मुख्य कलश होगा वो लकी ड्रा के द्वारा निकाला जाएगा। जो 1,11,000 का कलश प्राप्त करेगा उनको 2 लकी ड्रा कूपन भी साथ में दिए जाएंगे और जो 51,000 रुपये की कलश प्राप्त करेगा उनको 1 लकी ड्रा कूपन भी दिया जाएगा। हो सकता है आपके भाग्य चमक जाए और महामंगलकारी मंगल कलश, मुख्य कलश आपके घर में पहुंच जाए। बंधुओं, सौभाग्य आपको बुला रहा है, ज़्यादा विचार नहीं करें। अतिशय क्षेत्र पर अतिशय कारी बाबा के चरणों में 4 महीने तक ये कलश रहेंगे और जिस घर में वो जाएंगे उस घर में मंगल ही मंगल होगा। प्रतिदिन यहाँ पर जो शांति धारा होती है पूज्य माता जी के मुखारविंद से, रिद्धि मंत्रों के साथ में जो शांति धारा होगी, उन शांति धारा के मंत्रों की वर्गणाएं उन कलशों के अंदर होगी और वो महामंगलकारी मंगल कलश आपके घर में पहुंचेगा। तो मन बनाइए, भाव बनाइए, सौभाग्य का सिंदूर अपने मस्तक पे लगाने का मौका आया है, पीछे नहीं हटे और एक एक कलश आप यहाँ पर बुक करवा सकते हैं, अपनी स्वीकृति आप यहाँ पर दे सकते हैं। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं। इसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768।